नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खबरें अब तक का। आज खबरें अब तक में बात करेंगे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर। आज खबरें अब तक में बात होगी महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान और सियासी समीकरण की, यूपी उपचुनाव में पार्टियों की कश्मकश की, साथ ही कनाडा और भारत के रिश्तों में पड़ी दरार की भी बात होगी। लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी हेडलाइन से रूबरू करवा देते हैं। दिल्ली से शिकागो जारी एयर इंडिया की फ्लाइट कनाडा डायवर्ट, बम की मिली थी धमकी। बाबा सिद्दीकी मर्डर में आरोपी हरीश कश्यप को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। अयोध्या के मिर्कीपुर में उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ। वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को होंगे उपचुनाव। सरकारी कर्मचारी बीएमसी कर्मियों को दिवाली बोनस मिलेगा, सीएम शिंदे ने की बड़ी घोषणा। 9 साल बाद पाकिस्तान पहुंचा भारत का कोई विदेश मंत्री, एससीओ सम्मेलन में हिस्सा ले रहे जयशंकर। बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद को कोर्ट से बड़ी राहत, तीसरी बार बड़ी अंतरिम जमानत। भारत अमेरिका के बीच 31 प्रीडेटर ड्रोन्स के सौदे पर हस्ताक्षर, हिंद महासागर में बढ़ेगी हमारी ताकत। शेयर बाजार फिलहाल निशान पर हुआ बंद, सेंसेक्स 153 अंक टूटा, निफ्टी 25,000 के नीचे। धारावी पुनर्विकास योजना के लिए देवनार लैंडफिल साइट की 124 एकड़ भूमि का आवंटन हुआ। हेडलाइंस के बाद आपका स्वागत है। हेडलाइंस के बाद रुख करेंगे हमारी खास रिपोर्ट्स की तरफ। आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान हो चुके हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में एक चरण तो झारखंड में दो चरणों में चुनाव होंगे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। वहीं झारखंड में पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को तो दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड चुनाव के नतीजे भी 23 नवंबर को ही आएंगे। जब चुनावी बिगुल बज ही गया है तो चलिए दोनों राज्यों की सियासी स्थिति भी आपको समझा देते हैं। पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट का गठबंधन सत्ताधारी है, जबकि विपक्ष में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट एक साथ है। बीजेपी के लिए चुनौती सत्ता विरोधी लहर को संभालने की है, जबकि विपक्ष महाविकास अघाड़ी के बैनर तले एकजुट होकर मुकाबला करना चाहता है। इसके अलावा अगर बात झारखंड की करें तो यहां समीकरण कांटे की टक्कर के होने वाले हैं। झारखंड राज्य में भी सियासी उठापटक खूब रही, ऐसे में ये चुनाव पिक्चर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहां की सियासी स्थिति को जाने तो झारखंड में यहां 81 विधानसभा सीटें हैं। वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी सहयोगी है। बीजेपी मुख्य विपक्षी दल के रूप में चुनौती दे रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी समर्थन पर जोर दे रहे हैं। राज्य में आदिवासी दलित और पिछड़ी जातियों का वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। देखा जाए तो दोनों राज्यों में चुनाव के परिणाम 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी के लिहाज से अहम होंगे। इन चुनावों में राज्य सरकारों का प्रदर्शन, विकास के वादे और केंद्र सरकार की नीतियों का प्रभाव भी मतदाताओं के रुख को तय करेगा। फिलहाल इसी के साथ रुख करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। आज उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी हुआ है। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को सभी 10 सीटों में से 9 सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग होगी। बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव का अभी ऐलान नहीं किया गया है। वहीं 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। ये उपचुनाव खाली हुई सीटों को भरने के लिए हो रहे हैं, जिसमें कुछ सीटें विधायकों के निधन या फिर उनके इस्तीफे के बाद खाली हुई हैं। अगर यूपी के उपचुनाव के समीकरणों को समझे तो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए चुनाव अपने समर्थन को बनाए रखने की चुनौती है। उसे सत्ता विरोधी लहर का भी सामना करना पड़ सकता है। सपा का फोकस यादव और मुस्लिम वोट बैंक पर है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत किया है, हालांकि सपा और बीजेपी के मजबूत किलेबंदी का सामना करना पड़ेगा। बसपा का आधार दलित वोट बैंक है, जिसको एक बार फिर मजबूत करने का बसपा प्रयास करेगी।
देखा जाए तो इन उपचुनाव में विकास कार्यों, स्थानीय समस्याओं और जातीय समीकरणों का असर देखा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की समस्याएं और बिजली पानी की स्थिति भी अहम मुद्दे हैं। उपचुनावों के परिणाम 2024 के आने वाले दिनों में केंद्र की राजनीति को भी प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ वक्त हो गया हमारी अगली रिपोर्ट की ओर रुख करने का। भारत और कनाडा के बिगड़ते रिश्तों के बीच अब लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हो गई है। भारत की तरफ से कनाडा से अपने राजनयिकों को वापस बुलाने के कुछ ही घंटों बाद कनाडा ने भारत पर एक और गंभीर आरोप लगा दिया है। ऐसा लग रहा है मानो कनाडा के पीएम भारत के साथ बिल्कुल संबंध बिगाड़ने पर तुल गए हैं। ऐसे में विदेश नीति के जानकारों से लेकर आम लोगों को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर जस्टिन ट्रूडो को हुआ क्या है। कनाडा की पुलिस का आरोप है कि ओटावा में भारत सरकार के एजेंट खालिस्तानी तत्वों को निशाना बनाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि आरोप ऐसे समय सामने आए हैं जब लॉरेंस बिश्नोई गिरोह मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या में निशाने पर है। वहीं कनाडा सरकार ने 6 भारतीय राजनयिकों को भी निष्कासित कर दिया है। कनाडा ने भारतीय राजनयिकों को खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच से जोड़ा था। जवाब में भारत ने आरोपों को खारिज करते हुए ओटावा में अपने शीर्ष दूत को वापस बुला लिया। इसके बाद भारत ने बदले की कार्यवाही में 6 कनाडाई राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो खालिस्तानी आतंकवादियों के मुद्दे पर भारत और कनाडा के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय राजनयिक पर आरोप लगाए जिससे तनाव बढ़ा। भारत ने अपने राजनयिक बुलाकर कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। फिलहाल दोनों देशों के संबंध काफी गंभीर संकट में नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये तो थी खबर अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन इसके अलावा आपसे एक और मुद्दे पर चर्चा जरूर करते हुए अलविदा लेंगे। भारत में रेप की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। हर दिन देश के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं और बच्चों के साथ यौन हिंसा की खबरें आती हैं। लखनऊ में महज 14 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया। ऐसी घटनाएं न केवल हमारे समाज की संवेदनहीनता को दर्शाती हैं, बल्कि देश की न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े करती हैं। 2012 में निर्भया कांड के बाद सरकार ने कड़े कानून बनाए। कहा गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त सजा के प्रावधान किए गए, लेकिन इसका प्रभाव जमीन पर उतना नजर नहीं आता है। रेप के मामलों की जांच में देरी हो, सुस्त न्याय प्रक्रिया हो और अपराधियों को मिल रही राजनीतिक संरक्षण की वजह से पीड़िताओं को न्याय पाने में मुश्किल होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिर्फ कानून बनाना ही काफी है या उसका सही तरीके से क्रियान्वयन भी जरूरी है। आखिर महिलाएं कब तक देश में सुरक्षित महसूस करेंगी? कुल मिलाकर सरकार से यही सवाल है कि क्या वो केवल वादे करके बच सकती है या फिर जमीन स्तर पर बदलाव लाने के लिए ठोस कदम उठाएगी। महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि गंभीर जरूरत है जिसे नजरअंदाज करना अब संभव बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।